श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म सन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप सन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं, इसलिए इन दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, सन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही सन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्ध को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वह सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसी धारणा वाला होता है, अर्थात कर्म योगी जो भी कार्य करते हैं वह शास्त्र अनुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वह तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। तब वह 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीमानंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं, और अंत में यही इंद्रियों के विषयों का भोग दुख का कारण बनता है। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है,
वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार के दुविधाएं ब्रह्मा का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसे हर काम हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राणवायु और अप्राण वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी आज्ञाओं और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी समझता है और ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में श्री भगवान बताएंगे कि योग में स्थित मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं। यहां योग का मतलब है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कर्म। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में नागे में दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में तटस्थों और मध्यस्थों में शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालु में पुण्यात्मा और पापात्मा में भी एक समान भाव रखने वाला होता है।
ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में, पवित्र भूमि में, न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा, कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हो स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस समाधि रूपी अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में पूर्व संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करें। मनुष्य को चाहिए कि मन में उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से अपने वश में रखे। मनुष्य को चाहिए कि मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला ये मन जहां जहां भी प्रकृति में जाए वहां वहां से खींच कर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी राज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी है, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योगाभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप
परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा ही हाथी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होता है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापौत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर खुद ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है,
शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए, अपने अंतकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग अर्थात आत्मसंयम योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।